नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो खबर है जेएनयू और जामिया से जुड़ी हुई। जी हां, वही जेएनयू जहां पर नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और वही जामिया जहां पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर, या कहें कि विरोध की आड़ में, दिल्ली पुलिस पर बम फेंके जाते हैं, बसों में आग लगा दी जाती है और जिहादी भीड़ सड़कों पर उतरकर हिंदू विरोधी नारे लगाती है। तो अब जेएनयू और जामिया का इलाज कैसे होगा, इसका खुद बीजेपी ने खुलासा कर दिया है। जी हां, कैसे इन दोनों संस्थानों का इलाज किया जाएगा, कैसे यहां पल रही घृणित मानसिकता का इलाज किया जाएगा, इसका खुलासा खुद बीजेपी ने कर दिया है। पूरी खबर मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि क्या यह संस्थान और क्या इस संस्थान में पढ़ने वाले छात्र छात्र कहलाने के लायक हैं, क्या स्टूडेंट कहलाने के लायक हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइएगा। इसके साथ ही इन संस्थानों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आपको बताता हूं कि दरअसल जेएनयू और जामिया की असलियत क्या है और बीजेपी ने क्या इलाज बताया है। दरअसल आपको बता दूं कि जेएनयू एक ऐसा संस्थान रहा है जहां पर हमेशा से एक खास विचारधारा को फॉलो किया जाता है, हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाई जाती हैं। जब आप और हम नवदुर्गे का व्रत रखते हैं, नवदुर्गा मनाते हैं, तब यहां पर महिषासुर दिवस मनाया जाता है, माँ दुर्गा को भद्दी गालियां दी जाती हैं, माँ दुर्गा के बारे में भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं और उनके अश्लील पोस्टर बनाए जाते हैं। एक ऐसा संस्थान जहां पर आतंकवादियों की फांसी का विरोध किया जाता है और नारे लगाए जाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। एक ऐसा संस्थान जहां पर भारतीय सेना को भद्दी गालियां दी जाती हैं। ये तो रही जेएनयू की बात। हाल ही में आपने देखा होगा कि फीस वृद्धि के मामले पर भी जेएनयू के छात्र सड़कों पर उतर आए थे और जमकर गुंडई की गई थी। अब बात करता हूं मैं जामिया की। जामिया मिलिया इस्लामिया, एक ऐसा संस्थान जिसने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर दिल्ली पुलिस पर बम फेंके, दिल्ली में सीएनजी बसों को आग लगा दी जाती है, छात्र सड़कों पर ऐसे उतरते हैं जैसे ये छात्र नहीं मानो गली के गुंडे हों, नारे लगाते हैं हम छीन के लेंगे आजादी, हिंदुओं से आजादी। तो ये है जामिया की हकीकत। लेकिन अब आपको बता दूं कि जेएनयू और जामिया का क्या इलाज होना चाहिए, इसका खुलासा खुद बीजेपी ने कर दिया है। दरअसल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक रैली हुई, इसके समर्थन में एक रैली का आयोजन किया गया और रैली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे थे। इस रैली में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जो कहा वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सही है या नहीं। दरअसल आपको बता दूं कि रैली के दौरान बालियान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि वो जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 10% आरक्षण दिलवा दें और यहां के लोग सबका इलाज कर देंगे। दरअसल उनका कहना यह था कि जामिया और जेएनयू में 10% आरक्षण लागू कर दिया जाए वेस्टर्न यूपी के लोगों के लिए, अर्थात पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको बता दूं कि जाट बाहुल्य इलाका माना जाता है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है। तो संजीव बालियान का यह साफ तौर पर कहना था कि 10% आरक्षण इन संस्थानों में लागू कर दिया जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्र यहां पर पहुंचेंगे तो इन देशद्रोहियों की अकल ठिकाने लगाकर रख देंगे। यह कहना था संजीव बालियान का। क्या आप इसे सही मानते हैं? बिल्कुल सही कह सकते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या इन देशद्रोहियों को ठिकाने लगाने का यही तरीका है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही बालियान ने और क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। संजीव बालियान ने कहा कि मैं राजनाथ सिंह से निवेदन करूंगा कि जो जेएनयू और जामिया में देश के विरोध में नारे लगाते हैं उनका इलाज एक ही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वहां पर 10% आरक्षण करवा दो, हम सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं है पढ़ने की। आपको बता दें कि इसी रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यह कहा था कि किसी भी भारतीय मुसलमानों को कोई छू तक नहीं पाएगा और उन्होंने इस आशंकाओं को नकारा था कि अगर एनपीआर और एनआरसी को लाया जाता है तो समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि कल आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि खुद पाकिस्तान एक धर्मशासित देश है, खुद अमेरिका एक धर्मशासित देश है,
और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। दोस्तों मैंने कल भी आप तक एक बात पहुंचाई थी और मैंने आपसे ये कहा था कि जहां पर भी ये ज्यादा हो जाते हैं, जहां पर भी मुस्लिमों की तादाद ज्यादा हो जाती है, एक देश नहीं एक मोहल्ला ही देख लीजिए, एक शहर ही देख लीजिए, अगर ये मोहल्ले में ज्यादा हो जाते हैं तो मोहल्ले में इनकी चीजें चलना शुरू हो जाती हैं, दूसरी कौम वहां पर रह नहीं सकती। अगर ये एक शहर में ज्यादा हो जाते हैं तो शहर का नाम ये बदल कर रख देते हैं और दूसरी कौम वहां पर रह नहीं सकती। और अगर ये एक देश में ज्यादा हो जाते हैं तो उस देश का नाम ये इस्लामिक राष्ट्र कर देते हैं, लेकिन जहां ये अल्पसंख्यक रहते हैं वहां का देश इनको धर्मनिरपेक्ष देश चाहिए, उस देश का नाम धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। मसलन भारत ही ले लीजिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है चूंकि अब तक ये अल्पसंख्यक हैं, लेकिन कैसे अल्पसंख्यक हैं ये समझ नहीं आता, क्योंकि जो आबादी 1947 के वक्त 10% थी वो आबादी आज 19% से ज्यादा हो चुकी है। मित्रों अब अल्पसंख्यक का दर्जा इनको कैसे मिला हुआ है ये बेहद सोचने वाला सवाल है, इस पर भी आएगी मोदी सरकार। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि संजीव बालियान ने सीधे सीधे ये कह दिया कि जेएनयू और जामिया के जो देश विरोधी छात्र हैं उनको इलाज करने का, उनकी अकल ठिकाने लगाने का एक ही तरीका है कि 10% आरक्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को दिलवा दो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों को दिलवा दो, और जब ये छात्र वहां पहुंचेंगे तो इन देशद्रोहियों का ढंग से इलाज कर देंगे। हालांकि आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने भी जामिया मिलिया इस्लामिया का ढंग से इलाज किया था, अंदर तक घुसकर कार्रवाई की थी, लेकिन कुछ जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, लिबरांडू हैं, सिकुलर हैं, वो कहने लगे थे हाँ छात्रों पर कार्रवाई कर दी, छात्रों की सजा दी। लेकिन आपको बता दूं कि ये छात्र नहीं, ये गुंडे थे जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम की आड़ पर सड़कों पर गुंडई की थी, और जब दिल्ली पुलिस ने अपना रौद्र रूप धरा तो इनको जहां मारा गया, जहां ये मिले वहीं ठोका गया, लाइब्रेरी में भी ठोका गया, मैस में भी ठोका गया, और ठोका जाना चाहिए था। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जेएनयू पर भी कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन इस बीच आपने देखा होगा कि दिल्ली का शाहीन बाग इलाका वो अभी जिहादियों की भीड़ ने कब्जा कर रखा है, दिल्ली की एक सड़क पर कब्जा जमा रखा है एक जिहादी भीड़ ने, न वहां से एम्बुलेंस निकल पा रही है, न वहां स्कूल के बच्चे जा पा रहे हैं, ना वहां के जो व्यवसायी हैं अपनी दुकान खोल पा रहे हैं, और ना ही वहां पर मजदूर तक जा पा रहे हैं जो दो वक्त की रोटी मजदूरी कर कमाया करते थे। तो ये जिहादी भीड़ इस वक्त सड़कों पर उतरी है खास एजेंडा लेकर, लेकिन इनका इलाज संजीव बालियान ने सीधे सीधे बताया कि 10% आरक्षण आप हमें दिलवाओ और उसके बाद हम देखते हैं। आपको बता दूं कि जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, ये सारा एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है और ये एक जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। अब संजीव बालियान के बारे में आपको बता देता हूं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ये सक्रिय सदस्य हैं, मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव 2014 में चुने गए थे। लोकसभा चुनाव 2014 में आपको बता दूं कि इन्होंने बीएसपी के प्रत्याशी कादिर राणा को 400,000 से ज्यादा वोटों से जो है वो हराया था। और इस वक्त संजीव बालियान के पास पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय विभाग हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, यूपी के बड़े किसान नेताओं में से एक माने जाते हैं। इन पर मुजफ्फरनगर दंगों का भी आरोप है, लेकिन संजीव बालियान का ये साफ कहना है कि मैं उन दंगों में आरोपी नहीं था, मैंने जो किया नहीं है उसकी सजा मुझे नहीं दी जाए। तो संजीव बालियान ने सीधे सीधे कहा है कि मुजफ्फरनगर दंगों में मैं शामिल नहीं था। आपको याद होंगे मुजफ्फरनगर के दंगे, जब एक पंचायत, जब खाप पंचायत करके एक भीड़ आ रही थी, तब एक जिहादी भीड़ ने इन लोगों को निशाना बनाया और गंग नहर में कई लोगों को काटकर डाल दिया गया था। तो उस वक्त हुआ था मुजफ्फरनगर दंगा, लेकिन उस पर लगातार कार्रवाई, जो उस वक्त की तत्कालीन जो सरकार थी, मुल्ला मुलायम सरकार थी, अखिलेश सरकार थी, उसने कार्रवाई नहीं की थी और एक खास तबके पर ही, एक खास वर्ग पर ही कार्रवाई की गई, जबकि जो मुल्ला मुलायम का जो वोट बैंक है, अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है, उसको बख्श दिया गया था। खैर फिलहाल सबका हिसाब हो रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि सीधे सीधे उन्होंने ये कह दिया कि हम जेएनयू और जामिया का हिसाब कर देंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये और बताएं कि जेएनयू और जामिया का असली इलाज और क्या हो सकता है, क्या इन संस्थानों पर ताला लटका देना चाहिए? ऐसा दोस्तों मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से संस्थान देश के संस्थान हैं, माने हुए संस्थान कहे जा सकते हैं, लेकिन कब तक? जब तक इन संस्थानों में से देश विरोधी गतिविधियां ना हो,
लेकिन जब देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली के बीचों बीच जेएनयू जैसा संस्थान देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने लग जाता है, जामिया जैसा संस्थान पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने लग जाता है, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या इन संस्थानों को बंद नहीं कर देना चाहिए। ये सवाल सबसे बड़ा है, तो इस पर अपनी राय मुझे जरूर दें। इसके साथ ही इस खबर को शेयर करें, और संजीव बालियान के समर्थक हैं, अगर आप संजीव बालियान के इस बयान से सहमत हैं कि 10% आरक्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों को दिया जाए, जिससे ये जेएनयू और जामिया में पहुंचकर देशद्रोही छात्रों का ढंग से इलाज कर दें, तो इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें, साथ ही साथ खबर को शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।